शहर की विभिन्न ज्वलंत समस्याओं को लेकर के भाजपा जिलाध्यक्ष लादूलाल तेली के नेतृत्व में भाजपा प्रतिनिधि मंडल ने जिला कलेक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया। भाजपा जिला प्रवक्ता कैलाश सोनी ने बताया कि भिलवाड़ा शहर में शरारती तत्वों द्वारा लूट के इरादे से विभिन्न स्थानों पर वारदात करने, मारपीट करने की घटना को लेकर एवं जिले में बिगड़ती कानून व्यवस्था, अन्नदाता किसानों को यूरिया खाद नहीं मिलने, कर्मचारियों की मिलीभगत से कालाबाजारी, यूआईटी पीडब्ल्यूडी की भिलवाड़ा शहर की खस्ता हाल सड़कों, जगह जगह टूटी फूटी सड़कों की उड़ती हुई धूल को देख करके आमजन को परेशानी हो रही है। साथ ही ग्राम सेवा सहकारी समिति चुनाव में पारदर्शिता लाने, महात्मा गांधी अस्पताल की व्यवस्थाओं में सुधार लाने सहित विभिन्न समस्याओं को लेकर के भाजपा जिलाध्यक्ष लादूलाल तेली के नेतृत्व में भाजपा प्रतिनिधि मंडल ने जिला कलेक्टर एवं जिला पुलिस अधीक्षक को समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर के ज्ञापन दिया। आज भीलवाड़ा जिला कलेक्टर महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय से भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल मिला है और उसमें हमने दोनों अधिकारियों को अनुरोध किया है कि जिस तरह से हमने पांच विषयों को लेकर मुलाकात की है, पांच ज्ञापन दिए हैं, जिसमें पहला ज्ञापन भीलवाड़ा जिले का सबसे बड़ा जो महात्मा गांधी चिकित्सालय है उसमें जो जिस तरह की अव्यवस्थाएँ हैं, जिस तरह की लापरवाही है, जिस तरह का भ्रष्टाचार है और जिस तरह का संविदा कर्मी वहाँ पर मरीजों के साथ में जो व्यवहार करते हैं और उसके कारण पूर्व में अभी जो घटना घटित हुई है और ऐसी घटनाएं वापस पुनरावृत्ति नहीं हो उसके लिए ध्यान आकर्षित किया है, वो भ्रष्टाचार बंद हो, आम गरीबों को वहाँ पर सस्ता, सुंदर और सरल और सहज रूप से वहाँ पर इलाज मिले, इसके लिए अनुरोध किया है। उसके बाद में हमने भीलवाड़ा शहर में जिस तरह की सड़कों की हालत हमने देखी है, नगर विकास न्यास और पीडब्ल्यूडी के जो बड़े बड़े सड़क मार्ग हैं, चित्तौड़ रोड है, उदयपुर रोड है, अजमेर रोड है और कोटा रोड है और रिंग रोड है और 100 फीट और 200 फीट की रोडें हैं, इतने खड्डे हैं। आपने देखा होगा नगर विकास न्यास के सामने आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। अभी चित्तौड़ रोड पर आपने देखा है वन वे कर रखा है, पिछले दो महीने से कर रखा है, वहाँ पर अभी एक दुर्घटना घटित हुई थी जिसमें एक व्यक्ति की मौत हुई थी, 500 मीटर तक घसीटा हुआ गया था। तो जो भीलवाड़ा शहर में सड़कों को काम दीपावली के पहले होना चाहिए था नहीं किया गया है और अब भी वहाँ पर जो धीरे से काम चल रहा है, इसलिए हमने जिला कलेक्टर महोदय को अनुरोध किया है, वो न्यास के अध्यक्ष भी हैं, कलेक्टर महोदय भी हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि समय पर सब काम हो। और इसी के साथ में वर्तमान में रबी की फसल की बुआई भी चल रही है तो पिलाई भी चल रही है और यूरिया की किल्लत जबरदस्त चल रही है, आए दिन लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और वहाँ जाम लग रहे हैं और यूरिया की लंबी लंबी लाइनें लग रही है, इस कारण से आम जनता को और किसानों को परेशानी हो रही है। उस दौर भी ध्यान आकर्षित किया है कि यूरिया सभी को, किसानों को समय पर मिले और पर्याप्त मिले, इसके लिए भी उनसे अनुरोध किया है। और चौथा ज्ञापन हमने दिया है, भीलवाड़ा जिले के अंदर अभी सहकारिता के चुनाव हुए थे प्रथम फेज के अंदर, जिस तरह की धांधली, भ्रष्टाचार और दादागिरी हुई और उसके अंदर जो डेयरी के कर्मचारी लगे हुए थे, कुछ रिटायर्ड थे, कुछ वर्तमान थे, हमने जिला कलेक्टर महोदय से अनुरोध किया है कि पहले जैसी धांधली नहीं हो, इसलिए निष्पक्ष अधिकारी को लगाया जावे और इन दोनों सेक्टरों से बदल कर लगाया जावे ताकि वहां पर इस तरह की घटनाएं नहीं हो, धांधली नहीं हो और निष्पक्ष चुनाव हो। मार्डल में राजस्व मंत्री रामलाल जाट के नेतृत्व में एक दिवसीय दीपावली स्नेह मिलन समारोह के समापन पर विशाल भजन संध्या एक शाम गौ माता के नाम आयोजित हुई। भजन संध्या की शुरुआत चार भुजनाथ के समक्ष कई संतों के सानिध्य में दीप प्रज्वलित करके की गई। भजन सम्राट गौ भक्त संत प्रकाश दास महाराज, उपस्थित संतों का और गायक रतन राव, अर्जुन राणा के साथ ही सभी कलाकारों का शॉल और माला पहनाकर के सम्मान किया गया। भजन सम्राट संत प्रकाश दास महाराज ने कई शानदार भजनों की प्रस्तुतियां के साथ ही देशभक्ति गानों पर उपस्थित दर्शकों को नाचने के लिए मजबूर किया। भजनों की प्रस्तुति के साथ ही महाराज श्री ने मांडल नगरी को धर्म नगरी का दर्जा देते हुए राजस्व मंत्री रामलाल जाट के प्रयासों से क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों के लिए भी धन्यवाद जताया। महाराज श्री ने मांडल में बनी 32 खंभों की ऐतिहासिक धरोहर को केदारनाथ की अनुभूति करते हुए दर्शन करने का जिक्र किया। संत और सत्ता का महत्व बताते हुए गौरक्षा, राष्ट्रीय रक्षा के लिए सभी उपस्थित दर्शकों को प्रेरित भी किया। संत श्री ने पूरे क्षेत्र की ओर से मंत्री महोदय को साफा पहना करके सम्मानित किया। भजन संध्या के इस अवसर पर जादूगर आंचल ने भी अपनी जादू की कला से दर्शकों का मन मोहा। भजन संध्या के इस अवसर पर पूर्व सभापति ओम नारायण निवाल, मंडल प्रधान शंकर लाल कुमावत, पूर्व डेयरी चेयरमैन
रतनलाल चौधरी, हंसराज चौधरी, स्थानीय सरपंच संजय भंडिया, लिरडिया सरपंच देवालाल जाट, मांडल से पूर्व सरपंच जगदीश चौधरी नारायण बिरला, उमाशंकर बैरवा, श्री सिद्धेश्वर महादेव सेवा समिति के प्रमुख घनश्याम जोशी, विजय सिंह गुड्डा, महावीर वैष्णव, धनराज जाट के साथ ही कई कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि और हजारों की संख्या में दर्शक उपस्थित थे। हिरण शिरण स्थान है, उन सबको जागृत करने का काम हमारे एमएलए साहब, राजस्व मंत्री जी ने किया है। तब मुझे भीतर एक प्रेरणा हुई, प्रधानमंत्री मोदी जी उत्तराखंड में केदारनाथ को बनाने में पूरा जी जान लगा रखे हैं, और इधर राजस्थान में जितने भी महादेव के मंदिर हैं उनको बनाने में श्री रामलाल जी अपना जी जान लगा रखे हैं। सत्ता जो है संतों के बिना चल नहीं सकती, संत सानिध्य जरूरी है। राजा दशरथ भी राजा थे लेकिन गुरु वशिष्ठ जी के सानिध्य में वो राज किया करते थे। ऐसे ही जितने भी इस देश में राजा हुए हैं तो किन्हीं किन्हीं आप देखेंगे तो संतों का सानिध्य जरूर रहा है, उन्हीं का राज चला है। और यहाँ जब मैं मंच पर देखता हूं तो श्री रामलाल जी में जो खूबी है वो सारी खूबी संतों का प्रताप और संतों का आशीर्वाद और जनता का प्रेम, और होना भी चाहिए। मैं तो पहली स्वर्गवास श्री परमवीर सिंह जी की द्वितीय पुण्यतिथि पर भगत सिंह युवा क्लब एवं परिवार जन भिलवाड़ा के तत्वावधान में मंगलवार को रामस्नेह हॉस्पिटल में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें 51 यूनिट रक्तदान किया गया, जिसमें रामस्नेह ब्लड बैंक के सभी कर्मचारियों का सम्मान भी किया गया।